हेलो एवरीवन दिस वीडियो इज द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर ट्वेल्व व्हाट इफ इट फिनिशेस ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज डीप डाउन बिलो द अर्थ ये आसान नहीं है कि हम पता लगा सके कि अर्थ में ऑयल कहाँ है ये बहुत ही ज्यादा अंदर गहराई में होता है साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन्स टू फाइंड आउट दिस आउट देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड अप और इस चीज को पता लगाने के लिए साइंटिस्ट भी आ, खुद नहीं पता कर सकते उनको बहुत स्पेशल टेक्निक्स और कुछ मशीन्स की जरूरत पड़ती है जिससे कि पता लग सके कि तेल कहां पर है और जब पता चल जाता है कि पेट्रोलियम कहां पर है तो उसके बाद उसमें पाइप्स और बड़ी बड़ी मशीन्स को डाला जाता है और पेट्रोलियम को ऊपर खींचा जाता है दिस ऑयल इज अ स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड इट कंटेन्स मेनी थिंग्स मिक्सड इन इट टू क्लीन एंड सेपरेट दीज इट इज सेंट टू अव यू हर्ड ऑफर रिफाइनरी ये ऑयल जैसे हमें दिखता है नॉर्मली ऐसा नहीं होता है जब ये अंडरग्राउंड से निकलता है तो ये काफी ज्यादा बदबूदार होता है ये काफी ज्यादा थिक होता है गाढ़ा होता है और काफी ज्यादा ये डार्क कलर का रहता है और पेट्रोलियम से सिर्फ पेट्रोल या डीजल ही नहीं इसके अलावा भी और कई सारी चीजें होती हैं इसके अंदर जो कि इसके अंदर मिक्स रहती है तो इस पूरे पेट्रोलियम में से जो ये काला कलर का जो थिक लिक्विड अंदर से जो निकला है इसको क्लीन करने के लिए या फिर इसमें से अलग अलग चीजों को सेपरेट करने के लिए इसे रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है क्या आपने कभी रिफाइनरीज के बारे में सुना है ये क्या होती है रिफाइनरीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगी रहती हैं जिसमें कि ये जो क्रूड ऑयल है कच्चा तेल है इसको डाला जाता है और इसमें से जो यूजफुल चीजें हैं वो निकाली जाती हैं और उनको साफ किया जाता है ताकि उन अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम यूज कर सकें इट इज फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट कैरोसिन डीजल पेट्रोल इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट डू यू नो दैट एल पी जी कुकिकिंग गैस वैक्स कोलतार एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम दिस इस ही क्रूड ऑयल को साफ करने के बाद हमें मिलता है कैरोसिन डीजल पेट्रोल इंजन ऑयल और आ, प्लेन को चलाने वाले जो ऑयल हैं वो भी मिलते हैं इन सब चीजों के बारे में शायद आप पहले से जानते भी होंगे पर आपको पता है कि जो हमारी कुकिंग uh, गैस है जिसको एलपीजी कहते हैं वो वैक्स कोलतार और ग्रीस भी हमें इसी से मिलता है इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी इसी तेल का इस्तेमाल होता है आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल आई रिमेंबर्ड sometimes बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन while डूइंग something एल्स और मैं सोचने लगा कि तेल को कैसे बचाया जाए और तभी मुझे याद आया कि कभी कभार जो बाबा है अपने ट्रैक्टर का इंजन को कई बार ऑन करके ही ऐसे ही छोड़ जाते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन और कई बार खेत में जो पंप से पानी भर रहा होता है वो भी चलता रहता है हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम इन सब चीजों को चलता छोड़ने की वजह से बहुत ज्यादा तेल खर्च हो जाता होगा और मैं घर जाकर बाबा से जरूर इस बारे में बात करूंगा हमारे जो व्हीकल्स हैं वो चल सकते हैं डीजल पे पेट्रोल पे कोल पे सीएनजी पे और इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है सबसे पहले तो हमें आने जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी और रोड पे ट्रैफिक जैम बढ़ जाएगा और साथ ही साथ अगर ट्रैफिक जैम हो जाएगा तो लोग अपने काम पर देरी से पहुंचेंगे और इतना ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन हो जाता है जिससे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी इंक्रीज हो जाती है तो लोग बसेस में जाने के बजाय अपनी अपनी खुद की गाड़ियों में क्यों जाते हैं अपनी गाड़ी पे जाने में थोड़ा कन्वीनियंस रहता है और लोगों का अपना टाइम बचता है क्योंकि जब आपको जाना है उस समय पे आप जाएंगे दूसरे का वेट नहीं करना पड़ेगा कोई बस का वेट नहीं करना पड़ेगा और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को अपनी खुद की गाड़ियों में जाने का एक अलग ही मजा मिलता है तो इसलिए वो जाते हैं अगर हम इन सारी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो हमें अपने प्राइवेट व्हीकल को छोड़कर हमें ट्रैवल करना चाहिए बस से और आपको अपने जहां पर भी काम की जगह है उसके पास में ही रहना चाहिए जितना हो सके उतना कम से कम आपको अपने व्हीकल को यूज करना चाहिए और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपको पैदल ही चलना चाहिए इससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और साथ ही साथ पेट्रोल का उतना ज्यादा यूज भी नहीं होगा थिंग्स मेड फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज में रिफाइन होने के बाद पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि प्लास्टिक इंक पेंट शू पॉलिश नाइलोन वैक्स वैसलीन इंजन ऑयल एल पी जी कैरोसिन डीजल कोलतार एक्सेट्रा इस लिस्ट से आप बाकी की चीजें भी देख सकते हैं और भी हमें बहुत सारी चीजें पेट्रोलियम से मिलती हैं यहाँ पे मैंने वैसलीन भी बोला तो वैसलीन भी हमें पेट्रोलियम से ही बन के मिलती है आपने एड में सुना होगा जो बोलता है वैसलीन पेट्रोलियम जेली तो ये पेट्रोल से ही बनती है ये जेली फॉर्म में होता है अब हम देख लेते हैं कि डीजल कहाँ पे यूज होता है कार, ट्रैक्टर, बस ट्रक और इसके अलावा इलेक्ट्रिक जो जनरेटर्स होते हैं उसमें भी आ, डीजल का यूज होता है मेनली डीजल जो बड़ी मशीन्स होती हैं उसमें यूज़ होता है हु एम आई आई एम ब्लैक आई एम थिक मैं काला हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हूँ आई फ्लो मैं फ्लो कर सकता हूँ बह सकता हूँ हु एम आई मैं कौन हूँ डू यू नो क्या आप जानते हैं आई विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू यूज़ मी विथ केयर मैं बहुत समय तक आपके साथ रहूँगा अगर मुझे आप ध्यान से केयरफुली यूज़ करो आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज आई वुड नॉट ऑलवेज बी देयर मैं बहुत सालों में बन पाता हूँ सेंचुरीज बीत जाती हैं और मैं हमेशा से वहाँ पर नहीं था आई लाइक योर लैम्प्स आई कुक योर फूड आई रन योर मशीन्स मैं तुम्हारे घर के दिए जलाता हूँ और तुम्हारा खाना बनाता हूं और मैं साथ ही साथ मशीन भी चलाता हूं फ्लाई प्लेन मोर भी मेरी वजह से ही उड़ते हैं और मुझसे ज्यादा यूजफुल अब कौन हो सकता है इफ नॉट यूज विद केयर आई विल नॉट ऑलवेज बी देयर अगर मुझे केयरफुली ध्यान से नहीं यूज किया गया तो मैं हमेशा नहीं रहूँगा क्या मेरे लिए लोग लड़ेंगे और क्या ही जिंदगी है मेरे बगैर आई एम ब्लैक आई एम थिंक आई फ्लो हु एम आई डू यू नो मैं काले रंग का हूँ मैं बहुत गाढ़ा हूँ और मैं फ्लो भी कर सकता हूँ मैं कौन हूँ क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ इस पूरी पोएम को सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे यहां पर किस बारे में बात की जा रही है इस पोएम के थ्रू इम्पोर्टेंस दिखाई है पेट्रोलियम की कि हमारी लाइफ में वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, इसलिए हमें उसे बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए वेस्ट नहीं करना चाहिए वुड फॉर चूला दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा एवरी डे शी स्पेंड्स मेनी आर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है और हर रोज वो कई घंटे उसके घर के चूल्हे के लिए लकड़िया इकट्ठे करने में वो लगा देती है हर डॉटर ऑल्सो हैज टू हेल्प हर इन दिस और उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है फॉर द पास थ्री मंथस शी हैज कफ देर इज अ लॉट ऑफ स्मोक विद वुड इज बर्न दुर्गा को कई महीनों से खांसी है क्योंकि सीली हुई लकड़ियां जो कि गीली पड़ी हुई लकड़ियां होती हैं उनको जलाने से धुआं होता है गीली लकड़ी जलाने से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है कंपेयर करें अगर सूखी लकड़ी से तो बट दुर्गा हैव एनी अदर ऑप्शन वेन देयर इज नॉट इनफ मनी टू बाय फूड वेर विल देर विल बी मनी टू बाय वुड गीली लकड़ियां जलाने के अलावा उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है जब उसके पास खाना खरीदने के पैसे ही नहीं होते हैं तो वो लकड़ी खरीदने के पैसे कहां से लाएगी यहाँ पे लकड़ी का मतलब है सूखी लकड़ी टूडे अबाउट टू थर्ड पीपल इन आर कंट्री एक्सेट्रा आज हमारे देश में लगभग टू थर्ड लोग जो हैं, वो उपलों का यूज करते हैं उपले काउडंग केक्स जिन्हें बोलते हैं लकड़ी का और सूखी टहनियों का यूज करते हैं दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वाम फॉर हीटिंग वॉटर एंड फॉर लाइटनिंग तो इन सभी चीजों का यूज सिर्फ खाना पकाने के लिए ही नहीं इसके अलावा आग सेकने के लिए पानी को गर्म करने के लिए और घर में कुछ रोशनी के लिए इसका यूज किया जाता है मैनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज एट होम कैरोसिन एल पीजी कोल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा घर के अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चीजों का यूज किया जाता है जैसे कि कैरोसिन ऑयल जो की जिसको हम हिंदी में कहते हैं मिट्टी का तेल एलपीजी जो खाना बनाने वाला जो गैस होता है कोल मीन्स कोयला और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली इन सभी चीजों का यूज खाना बनाने के लिए किया जाता है हर घर में उनके नीड के और उनकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शन को चूज करके खाना बनाया जाता है यहां पे पेज नंबर 118 में एक बार चार्ट दिया हुआ है जो कि अलग अलग बार्स को शो कर रहा है ईयर 1976 का और 19 96 का इन दोनों बार ग्राफ में 20 ईयर्स का डिफरेंस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर द टाइम किन किन चीजों का इस्तेमाल करना ज्यादा हो गया है और किन का कम हो गया है इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं उपले और जो लकड़ी का जो यूज है वो अब थोड़ा डिक्रीज हो गया है और एलपीजी और कैरोसिन का यूज इंक्रीज हो गया है कोल का यूज भी थोड़ा कम हो गया है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी इंक्रीज हो गया है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर ट्वेल्व यहां पे फिनिश हो जाता है